देखिए निवेदन तो बहुत दिन के पहले दिया गया था, आज उन्होंने क्या कार्रवाई किया है इसके बारे में हमने पूछताछ की, तो बहुत लंबा डिस्कशन करने के बाद में पुलिस ने जितना काम करना चाहिए तो किया नहीं है, लेकिन आज हमने उनको बताया कि अभी इसके आगे 8 दिन के अंदर सारा जो भी लेखा जोखा है वो ऑन पेपर आना चाहिए। हमने तुरंत ही एक कलेक्टर, महानगर पालिका म्हाड़ा और पुलिस ऐसे चारों लोगों का एक मीटिंग लेने का तय हुआ, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। 75 एकड़ जगह पर अगर एक इलीगल देखा जैसे काम होता होगा और पुलिस और महानगर पालिका और कलेक्टर के लोग कुछ भी नहीं करते होंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता अपने हाथ में लेना पड़ेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकारी ज़मीन है, भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। सरकारी ज़मीन अगर कोई कब्जा करता है तो उसका देखभाल करने का काम ये हम सब लोगों का है, तो उसके ऊपर हम बहुत कड़ा हमारा रुख है, वो हम आने वाले दिनों में करेंगे। यहाँ पर छेड़ा नगर के बारे में जो बात हो रही थी कि रास्ते पर नमाज पढ़ते हैं, तो उसका खुलासा अब आज ऐसा हुआ कि वो रास्ते पर कोई नमाज पढ़ते नहीं है, लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती है। तो हमने कहा कि वो पब्लिक रोड नहीं है, वो प्राइवेट रोड है, तो वहाँ पर पार्किंग भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की हमने मांग की और वो हम तुरंत करवा लेंगे। तीसरा मुद्दा ये था कि छेड़ा नगर से मुस्लिम लोग घर लेते हैं और हिंदू लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब कोई खुशी से बेचता होगा, उसको कोई लेता होगा, तो उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है किसने बेचना चाहिए किसने लेना चाहिए, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन किसी हिंदू का घर कम पैसे में अगर कोई मुसलमान लेता है और कोई हिंदू एरिया में मुसलमान के पास से कोई कम पैसे में लेता होगा, तो दोनों गलत है, तो ये होना नहीं चाहिए। तो उसका रिपोर्ट पुलिस तुरंत हमको देने वाली है। और लास्ट का एक मुद्दा था कि दलित लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, वहाँ पर मुस्लिम लोग आ रहे हैं, तो उसका भी हमने पुलिस को कहा कि आप रिपोर्ट दीजिए। तो खास करके पुलिस का ही डिपार्टमेंट होता है, म्यूनसिपालिटी तो बाद में आती है ना उसमें, तो ये सारे बातों का एक 8 दिन के अंदर सब लेखा जोखा होकर हाथ में आएगा, इस प्रकार का हमको लगता है। अगर ये नहीं होता है तो फिर हमारे विरुद्ध पक्ष नेता ने एक बड़ा आह्वान किया है कि हम बहुत बड़ा एक आंदोलन यहाँ पर खड़ा करें। बैनर को लेकर कार्यकर्ताओं की CR रिकॉर्ड करने की बात है, बैनर जो निकाला है वो गलत निकाला है, पुलिस का काम ही नहीं है वो, पुलिस ने महानगर पालिका को इन्फॉर्म करना चाहिए था। और ख़ास करके राम मंदिर का तो बैनर महापालिका ने भी निकालना नहीं चाहिए कि राम मंदिर, ये राष्ट्र मंदिर निर्माण की हम लोग बात करते हैं। शिवसेना आज सत्ता में है, 1 करोड़ रुपया तो उन्होंने दिया है डोनेशन, उद्धव ठाकरे जी ने 1 करोड़ रुपये दिया है, और राम मंदिर के लिए तो बाला साहब ठाकरे जी ने अपना पूरा जीवन अंतिम समय पर पूरा उस पर लगा दिया है। तो राम मंदिर ये राष्ट्र मंदिर है, और राष्ट्र मंदिर का बैनर अगर कहीं पर भी लगता है तो उसको, मेरा ये स्वयं का मानना है कि उसके लिए कोई परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है, अगर कोई निकालता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो पुलिस ने गलत काम किया है उसके ऊपर एक्शन जरूर होगा। गोपाल शेट्टी आगे बढ़ो, लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए निवेदन दिया गया। मुंबई से कैमरामैन संतोष, सुरेश सुराडकर, बिजनेस मुंबई।